सो दोस्तों हम लोग आ चुके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एंड आज आप लोग कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग सिखाने वाले हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम में। अगर आप लोग भी प्रीसेट यूज करते होंगे तो आप लोग लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर प्रीसेट काम नहीं करता होगा, तो इस वीडियो को आप लोग को एक सेकंड भी स्किप करके नहीं देखना, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि वन क्लिक में फेस को कैसे व्हाइट किया जा सकता है एंड कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग बहुत ही कम आप लोग को कोई सिखाया होगा। तो चलिएगा इस बिना देर की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों ये हम लोग का नॉर्मल फोटो है, अगर आप लोग को रियल एडिटिंग सीखना है तो इस वीडियो को आप लोग को छोड़ करके नहीं जाना है, मैं आप लोग को पक्का 100% गाइस सिखा दूंगा एडिटिंग। सो गाइस सबसे पहले आप लोग को शेयर कर लेना होगा स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर एंड गाइस शेयर करने में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। सो गाइस इतना करना, सिंपली आपको टूल्स वाला आइकन पे आ जाना होगा एंड गाइस टूल्स वाला आइकन पे आने बाद सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना होगा, यहाँ पे देखिएगा सेलेक्टिव होगा, ठीक है सेलेक्टिव पे क्लिक कर देंगे एंड थोड़ा सा हम लोग फेस के ऊपर ब्राइटनेस को कम करेंगे, ठीक है ब्राइटनेस को हम लोग हर फोटो में बढ़ाते हैं लेकिन इस फोटो में हम लोग ब्राइटनेस को कम करेंगे तो -16 कर दे रहे हैं एंड कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेंगे तो कुछ इस तरीके से 10+ कर दे रहे हैं एंड यहाँ से सेचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो 51+ कर दे रहे हैं एंड यहाँ से स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आप लोग को बढ़ा लेना होगा तो 54 बढ़ा दे रहे हैं एंड गाइस इतना करना, सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर, इतना करना फिर से आप लोग को टूल्स वाला आइकन पे आ जाना होगा एंड गाइस टूल्स वाला आइकन पे आने बाद सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना होगा, यहाँ पे देखिएगा डिटेल्स वाला ऑप्शन होगा, डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे एंड इसका स्ट्रक्चर आप लोग को थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है 10+ बढ़ा देना है एंड शार्पनिंग को आप लोग को 66+ कर देना होगा एंड गाइस हम लोग 100 कर देते हैं, ठीक है सॉरी 100 करेंगे तो HD में हम लोग का एडिट होगा एंड गाइस जब भी आप लोग फेस को स्मूथ करते होंगे तो आप लोग का फोटो फटी जाता होगा, अच्छे से HD में स्मूथ नहीं होता होगा। तो फ्रेंड पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाले आज के इस वीडियो में। सो गाइस इतना करना, सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। अभी आप लोग देख लीजिए कितना ज़्यादा इफेक्ट आया हम लोग के फेस के ऊपर, एक बार देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर एंड गाइस इतना करना, सिंपली आपको फिर से टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा एंड आप लोग को सेलेक्टिव पे क्लिक कर देना होगा एंड थोड़ा सा आप लोग फेस के ऊपर ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लीजिएगा तो कुछ इस तरीके से +38 कर दे रहे हैं एंड थोड़ा सा देखिए गर्दन के नीचे हम लोग का ब्लैक है तो वहाँ पर भी हम लोग ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे, ठीक है इतना करने बाद सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। देखिए फिर आपको दिखाते बिफोर एंड आफ्टर एंड गाइस इतना करने सिंपली आप लोग को यहाँ से डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना होगा। सो दोस्तों फोटो सेव करने बाद सिंपली आप लोग को शेयर कर लेना होगा लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर एंड गाइस सिंपली शेयर का बगल में 3 डॉट बिंदु होगा उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से आप लोग को पेस्ट सेटिंग कर लेना होगा। देन गाइस जैसे आप लोग पेस्ट सेटिंग करेंगे तो वन क्लिक में आप लोग का हो जाएगा, देखिए आपको दिखाते बिफोर एंड आफ्टर एंड गाइस इतना करना, सिंपली आप लोग देखिए कलर वाला ऑप्शन पे आ जाएगा आप लोग एंड मिक्स पे क्लिक कर लीजिएगा एंड सिंपली आप लोग ग्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा एंड इसका सेचुरेशन आप लोग को 100+ कर देना होगा एंड फिर से आप लोग इस वाला ऑप्शन पे आ जाइएगा एंड इसका सॉल्ट का कलर है ना तो सिंपली आप लोग को सेचुरेशन बड़ा कर लेना है, ठीक है सॉरी 100+ कर देना होगा एंड गाइस इतना करना, फिर से आप लोग इस वाला ऑप्शन पे आ जाइएगा एंड इसका भी सेचुरेशन आप लोग को 100+ ही कर देना होगा एंड गाइस इतना करना, फिर से आप लोग को इस वाला ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड इसका भी सेचुरेशन आप लोग को 100+ कर देना होगा। देखिए फिर आपको दिखाते बिफोर एंड आफ्टर, इतना करना फिर से आप लोग को इसोलेशन पे आ जाना होगा एंड इसका भी सेचुरेशन आप लोग को कुछ इस तरीके से 19- ही रखना होगा। देखिए आपको दिखा दूं बिफोर एंड आफ्टर, इतना करना सिंपली आप लोग को शेयर कर लेना होगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों हम लोग आ चुके पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर एंड गाइस सिंपली आप लोग को इफेक्ट वाला ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड आप लोग को क्लिक कर देना होगा कलर रिफ्लेक्स वाला ऑप्शन पे एंड कुछ इस तरीके से ये जो आप लोग का गोला है ना सर्कल सिंपली आप लोग सॉल्ट के ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा एंड यहाँ से आप लोग कोई सा भी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है इतना करना, सिंपली यहाँ से हम लोग कट करके बैक आ जाते हैं। फिर से आप लोग को इफेक्ट वाला ऑप्शन पे आ जाना होगा, फिर से आप लोग को क्लिक कर देना होगा कलर रिफ्लेक्स वाला ऑप्शन पे एंड सिंपली आप लोग इस वाले सर्कल को आप लोग को बैकग्राउंड के ऊपर रखना होगा। देन गाइस जैसे आप लोग रखेंगे तो देखिए एक ही बैकग्राउंड को कितना ज़्यादा आप लोग कलर में एडिट कर पाएंगे। सो गाइस देखिए इतना हो गया ना, इतना होने पर सिंपली आप लोग कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड गाइस इतना यही वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है मेरे जान एंड गाइस इतना करना, सिंपली आप लोग को डन कर लेना होगा। देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर, इतना करना सिंपली आप लोग डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा। सो दोस्तों फोटो सेव करने बाद सिंपली आप लोग को शेयर कर लेना होगा स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर एंड गाइस सिंपली देखिए शेयर के बगल में एरो का निशान होगा उस पर आप लोग आ जाइएगा, व्यूडिस पे आ जाइएगा एंड सिंपली आपको लेंस ब्लर पे क्लिक कर देना होगा, ब्रश वाला आइकन पे क्लिक कर देना होगा एंड गाइस ब्रश वाला आइकन पे क्लिक करने बाद सिंपली आप लोग को फोटो को जूम कर लेना है। देन गाइस फोटो जूम करने बाद सिंपली आप लोग अपने फेस के ऊपर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है देन गाइस जैसे आप लोग फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप लोग का फेस स्मूथ होना चालू हो जाएगा एंड वो भी बहुत ही कम टाइम में, 1% में आप लोग का फोटो फटेगा नहीं एंड क्लियरिटी में फेस स्मूथ होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हम लोग के फेस के ऊपर, ठीक है आप लोग के फेस के ऊपर होगा
तो सिंपली देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए आई वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके जब भी आप लोग फेस को स्मूथ कीजिएगा तो आप लोग आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फेस को स्मूथ कीजिएगा, ताकि आप लोग को पता चले कि हमारा ब्रश कहाँ पे जा रहा है एंड हम कहाँ पे ब्रश को अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं अप्लाई कर रहे हैं। सो गाइस देखिए कितना अच्छे तरीके से हम लोग का फेस स्मूथ हो रहा है। एंड गाइस इतना करना सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना सिंपली यहाँ से हम लोग बैक आ जाते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे मैं ब्रश वाला सॉरी फ्रेंड स्मूथ वाला ऑप्शन लेकर आया हूँ। तो सिंपली आप लोग टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा, लेंस ब्लर पे क्लिक कर देना होगा एंड इसका आप लोग को जीरो कर देना है, ठीक है। इसको आप लोग 100 कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इसको भी आप लोग 100 कर लेना होगा एंड इसको छोटा कर लेना होगा एंड कॉर्नर में एडजस्ट कर लेना होगा। ब्लर स्ट्रेंथ को कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा एंड इस वाला ऑप्शन को आप लोग थोड़ा सा सबसे लास्ट में होगा सॉरी, ठीक है। इस वाला ऑप्शन को थोड़ा सा आप लोग माइनस सॉरी फ्रेंड प्लस 24 रखिएगा एंड इस वाला ऑप्शन को थोड़ा सा आप लोग को बढ़ा लेना होगा तो प्लस 71 कर देना। एंड गाइस इतना करना सिंपली आप लोगों को डन कर लेना होगा। डन करना फिर से देखिए शेयर के बगल में एरो का निशान होगा, उस पर आ जाएंगे हम लोग, व्यूज पे आ जाएंगे एंड आप लोगों को लेंस ब्लर पे क्लिक कर देना होगा, ब्रश वाला आइकन पे क्लिक कर देना होगा। देन गाइस ब्रश वाला आइकन पे क्लिक करना होगा, सिंपली कुछ इस तरीके से फोटो को जूम कर लीजिएगा एंड मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा ब्लैक है, ठीक है। तो इसको आप लोग जैसे ही आप लोग फेस को स्मूथ करेंगे ना तो ऑटोमेटिक रिमूव होना चालू हो जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं एडिटिंग करके वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप लोग को जानना है कि मैं वन क्लिक में कैसे फेस को अपना व्हाइट किया हूं तो ऊपर दो वीडियो देख रहा है, जाकर के उस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए फुल वॉच कर लीजिएगा तो आप लोग भी जान जाएंगे वन क्लिक में कैसे फेस को व्हाइट किया जाता है। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही फुल एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।